नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक पद्मनाभस्वामी मंदिर की अद्भुत कहानी बताने जा रहे हैं। इस मंदिर का सातवां द्वार आज भी रहस्य का कारण बना हुआ है और इसके पीछे है एक विचित्र इतिहास। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करते हैं। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मंदिर की विशालता और सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति मौजूद है, जिसमें वे शेषनाग पर शयन मुद्रा में हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व भर के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इसकी संपत्ति करीब 1,25,000 करोड़ रुपए की है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इसके दरवाजों को खोलने पर फैसला करेगा। 90 वर्षीय त्रावणकोर राज परिवार के प्रमुख तिरुनल मार्तंड वर्मा का कहना है कि सातवें द्वार के खुलने से देश में प्रलय आ सकता है और उन्होंने इसे रहस्य बनाए रखने की कोशिश की है। त्रावणकोर के राजाओं ने 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया और अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी थी। वर्तमान में मंदिर की देखरेख शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। मंदिर के द्वार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोले गए हैं और अब तक 6 द्वारों से करीब 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। परंतु सातवां द्वार अब भी रहस्य बना हुआ है। पूरा विश्व इस पर नजरें गड्ढाए हुए है। पद्मनाभस्वामी मंदिर के सातवें द्वार को खोलने और उसके खजाने तक पहुंचने की बात जब भी होती है तो भय और अनहोनी की कहानियां सामने आ जाती हैं। सातवें द्वार पर कोई ताला या कुंडी नहीं है, बल्कि सांपों के प्रतिबिंब इस द्वार की रक्षा करते हैं। इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी भी कुंजी की आवश्यकता नहीं होती। इसे केवल मंत्रोच्चारण द्वारा ही खोला जा सकता है। यह एक गुप्त गृह है जिसके द्वार को खोलने के लिए 16वीं सदी के सिद्ध पुरुष, योगी या तपस्वी की आवश्यकता होती है। सिर्फ गरुड़ मंत्र की मदद से यह द्वार खोला जा सकता है। नियमों के अनुसार गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस द्वार को खोलने में सक्षम होता है। अगर उच्चारण सही तरीके से नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।